तो आज की क्लास में हम बात करें आपके साथ कस्टम फॉर्मेटिंग। कस्टम फॉर्मेटिंग सब शुरुआत करेंगे, हम फॉर्मेटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कस्टम फॉर्मेटिंग में हम जानेंगे क्या होता है। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में बात की थी, साथ में एक आर्टिकल दिया था पढ़ने के लिए आपको। हम चलिए इसी आर्टिकल को फॉलो करते हैं। अब इस आर्टिकल को जब हम फॉलो कर रहे हैं तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे चीजें, चलिए वन बाय वन इन चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक्सेल सीट पे हम किसी भी एक्सेल सीट के ऊपर अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 1500 लिखा है, मैं चाहता हूं इसके साथ कोई टेक्स्ट ऐड करो, कोई टेक्स्ट ऐड करो। तो जैसे मैं चाहता हूं यहां MRP 1500, लेकिन इस तरह से क्या हुआ कि टेक्स्ट टेक्स्ट नहीं रहा एंड नंबर रहा, ये क्या हो गया, नंबर हो गया। ठीक है, सर ये कवर किया है आपने? हाँ हाँ, तो मैं आपको समझा रहा हूं कि इसमें क्या है कि 1500 पे हमें अगर कुछ अपना प्रीफिक्स शो करवाना है तो कस्टम में जाके हम या इन्वर्टेड कॉमा में MRP लिखते हैं और इसके बाद मुझे एंटर प्रेस करते थे, यहाँ MRP शो होता है। अब आर्टिकल यहाँ आपका कहता है कि चार पोजीशंस है, पॉजिटिव, यहां देखिए पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो एंड टेक्स्ट, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो एंड टेक्स्ट, राइट। तो अब यहां अगर हम आते हैं एक्सेल में, तो अभी हमने क्या डाला है, पॉजिटिव नंबर डाला। अगर मान लीजिए कि मैंने यहां पे निगेटिव डाल दिया तो यहां देखिए -512 आ गया -512। यहां पे मैं सेमी कॉलन डालू और यहीं पे मैं मान लीजिए कि डिस्काउंट DIS लिख देता हूं, तो आर्टिकल के मुताबिक पहला पोजीशन जो होता है पॉजिटिव का होता है, दूसरा नेगेटिव का होता है। दोनों के बीच में आपका जो सेमी कॉलन है वो सेपरेटर है। तो यहां हमारे पास सेपरेटर सेमी कॉलन आ गया, MRP और डिस्काउंट के बीच में डाला, तब क्या होगा कि जो माइनस में होगा उसके आगे डिस्काउंट दिखेगा। तीसरा जीरो होता है, तो सिंगल कोट लगा के मैंने यहाँ पे डाल दिया फ्री, तब क्या हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा। यहाँ पे हम नंबर डालिए, MRP डालिए, ये आ गया, यहाँ पे जीरो डालूंगा तो फ्री हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम कॉमा डालते हैं और यहाँ पे टैक्स के लिए एन एन ए कर देते हैं, टैक्स के लिए एन। तो यहाँ पे ये रहा आपका टैक्स, डालते हैं तो यहाँ पे एन आ गया। लेकिन आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ कुछ ऐसा हमारा वैल्यू शो नहीं हो रहा है। अगर वैल्यू शो करवाना चाहते हैं तो इसके जस्ट बगल में यहां मैंने डाल दिया जीरो, जीरो या हैश एन, और एड टेक्स के लिए आपको देना होगा एट द रेट। तो ये देखिए आपके सामने, ठीक है। तो अब नंबर डालूंगा तो MRP दिखेगा, माइनस में डालूंगा नेगेटिव दिखेगा, और प्लस में डालूंगा जीरो डालेंगे तो फ्री दिखेगा, और किसी तरह का टेक्स्ट डाला तो एन में दिखेगा। अब इसका यूज कहाँ होता है, तो चलिए एक छोटा सा ये बनाते हैं। एक अटेंडेंस शीट हम यहां तैयार करते हैं, और यहां बायोमेट्रिक है, मान लीजिए तो बायोमेट्रिक में ए यहां पे 1 के जगह पे मैं 9 कर देता हूं, 0 to 9। तो मान लीजिए एक बायोमेट्रिक अटेंडेंस का डेटा हमारे पास आया हुआ है,
अब मुझे इसमें क्या करना है, इसको प्रेजेंट शो करना है और दूसरे को ऑप्शन ऑप्शन शो करना है। ठीक है, प्रेजेंट शो करना है और यहां ऑप्शन शो करना है। तो जो जीरो है मतलब हुआ क्या था कि जितने जिसने जितना बार एक्सेस कार्ड का इस्तेमाल किया, जितने जिसने जितना बार एक्सेस कार्ड का इस्तेमाल किया है वो यहां पे आपको प्रेजेंट शो कर रहा है, और जिसने एक्सेस कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जीरो हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं जो जीरो हो वो एब्सेंट हो जाए और जो नंबर्स है वो प्रेजेंट हो जाए। तो यहां पे हम इसी मेथड का यूज करेंगे जो ऊपर दिख रहा है। तो यहां राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट सेल पे आऊंगा, कस्टम पे आऊंगा और यहां हम कर देते हैं जीरो, यहां पे पॉजिटिव सिंबल को नेगेटिव है नहीं तो मैं यहां पे छोड़ दिया और अब यहां पे ए फोर एब्सेंट कर दिया। ठीक है, ओके, देखिए देखिए सर, मिलिंद जी कोई डाउट इसमें? ये आखिरी स्टेप को समझ में आया लेकिन थोड़ा सर दोबारा एक बार खाली वो आपने जो कस्टम फॉर्मेटिंग में डाला था ना नेगेटिव पॉजिटिव, खाली एक बार प्लीज रिपीट कर सकते हैं क्या? देखिए सिंपल सी समझिए ना कि यहाँ आपका आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो यहाँ जो हम डालते हैं उसका एक सीक्वेंस होता है और पार्टीशन जो होता है वो सेमी कॉलन होता है। तो इसके चार पार्टीशन है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, जीरो एंड टेक्स्ट, और पार्टीशन के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। तो पॉजिटिव के जगह पे मैंने पी दे दिया तो जहां जो भी नंबर पॉजिटिव नंबर है उसके जगह पे यहाँ पे पी शो करेगा, क्योंकि इसके आगे हमने कोई जीरो या कॉमा हमने डाला नहीं है इसलिए पी शो करेगा। अगर इसके आगे हम जीरो और कॉमा डालते तो फिर वो पी के साथ आपको नंबर भी शो करता, पर ऐसा हुआ नहीं। तो पहला पोजिशन प्रेजेंट है, दूसरा पोजीशन आपका निगेटिव का है, बट मेरे इस डेटा में निगेटिव नंबर है ही नहीं। ठीक है, इसलिए हमने ब्लैंक छोड़ दिया, जो निगेटिव नंबर है उसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया। और तीसरा जो पोजीशन वो आपका जीरो का है, सो हमने अब्सेंट डाल दिया। तो नंबर्स जैसे आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव कर देगा, जैसे यहाँ पे जीरो जीरो आएगा उसको ऑब्सेंट कर देगा। सिंपल सी बात है सर। आया समझ सर? हाँ सर आया समझ। चले तो ये सेम चीज आपका ये आर्टिकल कहता है। हाँ, इसमें कलर भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मुझे अब्सेंट को रेड करना है तो कलर के लिए आप यहां पे कस्टम स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने यहां पे रेड कर दिया, तो कलर जो भी डालेंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे। ओके, तो ये माफ कीजिए हम गलत कर दिए, हमने पॉजिटिव वाले पर रेड कर दिया, हमें नेगेटिव वाले पे करना था ना, तो नेगेटिव नंबर से पहले हम यहां पे कर देते हैं। ठीक है, तो एक कलर भी कर सकते हैं। तो कलर में हमने रेड ग्रीन ब्लू श्याम, ये जो आपके यहां लिस्ट आएगा कलर लिस्ट आएगा ये देखिए, ये कलर कर सकते हैं।
और कलर जो है सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव पे नहीं, कंडीशन पे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है ना, इस कंडीशन पे भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे एक नंबर मैं चाहता हूँ कि इस एरिया में अगर ग्रेटर देन 100 लिखूं तो कुछ और जाए, लेस देन 100 लिखूं तो कुछ और आ जाए। तो इसके लिए यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में कलर लिखेंगे, वापस स्क्वायर ब्रैकेट एक अलग स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें हम लिखेंगे कंडीशन, जैसे लेस देन इक्वल टू 100, और फिर यहाँ पे ब्लू और ये आपका कंडीशन एंड ओके। अब इसमें हम कोई भी नंबर देंगे 100 से ऊपर तो आपका दिख जाएगा, ठीक है। ओके सर, तो इस तरह से कंडीशंस हमने इस्तेमाल कर लिए, ठीक है। आया बड़े सर, उसके अलावा तो बाकी चीज तो मैंने बताया था आपको यहाँ पे, ये जो इतने जो स्पेशल करेक्टर आपको दिख रहा है ये भी आप डाल सकते हैं विदाउट इनवर्टेड कॉमा, और यहाँ जो है जीरो के इसके क्या बोलते हैं एट द रेट जो होता है टेक्स्ट के लिए होता है। अब एट द रेट के बारे में समझिए एट द रेट क्या करता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल कि मुझे मान लीजिए यहाँ पे अपना कंपनी नेम लिखना है सी नेम, और यहाँ पे आईपीपी लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ उसके साथ M/S लग जाए। तो ये चीज आप कस्टम फॉर्मेटिंग में जाइए यहाँ, और एट द रेट यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में M/S कर दीजिए और इसके बाद एट द रेट कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए आईपीटी लगाऊंगा आ जाएगा, ठीक है। सेम अगर एड्रेस है तो एड्रेस में क्या है कि बहुत सारे लोगों का एड्रेस होता है, तो कस्टम में मैं सेम एड्रेस है तो इसलिए मैंने यहाँ पे एट द रेट लगाया और यहाँ पे न्यू दिल्ली 1111062। अब जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एड्रेस लिख के एंटर मारूंगा ऑटोमेटिकली देखिए लग जाएगा, ठीक है। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, एट द रेट हमेशा जीरो के लिए परफॉर्म करता है। बाकी चीज तो मैंने देखा ही बताया था आपको इसमें। हाँ, इसमें जैसे कि ये जो शॉर्टकट आप देख रहे हैं इससे आपको इस तरह का करेक्टर, मान लीजिए आपको इस तरह का करेक्टर चाहिए तो आप अपने यहां पे आइए और एक क्या इसके सामने क्या लिखो Alt 0165 नंबर की दबाना होगा, तो अल्ट के साथ नंबर ए नंबर प्रेस कीजिए, अल्ट को प्रेस रखते हुए तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो आपका कन्वर्ट के लिए होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने 45 घंटे 30 मिनट हमने कैलकुलेट किया, इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, टेक्स्ट में, सॉरी माफ कीजिए टेक्स्ट नहीं मिनट्स में, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट में एम लिख दूंगा तो एक कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये तो जस्ट विजुअल है, ओरिजिनल में चाहिए कैलकुलेशन कर सके तो आप टेक्स्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करें, इसको सिलेक्ट करें और इनवर्टेड कॉमा में स्क्वायर ब्रैकेट में आप एच लिख दें, एंटर प्रेस करें, रिजल्ट आपके सामने है। एच किया तो 45 हुआ, आवर आ गया, और मिनट में करते हैं एम करते हैं तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, और एस करेंगे तो सेकेंड। अगर मैं यहां पे एम को हटा के एस कर दिया तो सेकेंड, ठीक है। क्लियर सर? तो इस कस्टम फॉर्मेटिंग के आर्टिकल के अकॉर्डिंग यही था, बाकी चीज आपने अपने एंड से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे बात कर लीजिएगा। अगली टॉपिक जो आती है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की आती है।
लेकिन हालांकि आज मुझे कंडीशनल कस्टम कंडीशन प्रोटेक्शन तीन टॉपिक पढ़ाना था, बट हमारे दो लोग नहीं आए हैं जिनका बैच है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि सडनली मैंने उनको इन्फॉर्म किया था, लग रहा है नहीं रेडी हुए होंगे, नहीं पता था कि आज से शुरू हो रही है क्योंकि छुट्टी पे था दिवाली की। मैं तो कल से जो है हम 1 घंटा क्लास करेंगे आपके साथ और जल्दी जल्दी बेसिस जो कवर करके एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग कस्टम क्वांटिटी की प्रैक्टिस कर लीजिए। हाँ, कोई डाउट है किसी तरह के क्वेश्चन से कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है सर? हेलो, नहीं सर, एक बार रिकॉर्डिंग दोबारा देख के वी विल ठीक ट्राई, फिर अगर कोई क्वेश्चन है तो। ठीक ठीक देख लीजिए रिकॉर्डिंग और मुझसे पूछ लीजिए। तो आज मैं थोड़ा यस सर, छोटी ठीक क्लास ले रहा हूँ, कल से हमारी क्लास लंबी रहेगी। है सर, ओके। हेलो सर, पूछिए पूछिए। एक ऐसे आगे का डाउट था कि मतलब ड्यूरिंग द कोर्स, इस कोर्स में हम आगे डैशबोर्ड लेने वाले हैं। हाँ, पहले इस कोर्स को खत्म कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, ओके। चलिए।